हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जिस चीज का हमें इंतजार था वो चीज का फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, मनेलो मार्केस हमारे न्यू हेड कोच, उन्होंने अपना फर्स्ट टाइम अपने नए एरा में प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 26 मेंबर इंडियन फुटबॉल टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है फॉर द अपकमिंग इंटर कॉन्टिनेंटल 2024, जो कि हम लोग खेलने वाले हैं अगेंस्ट मॉरिशियस एंड सीरिया। और ये स्क्वाड के अनाउंस होने के बाद एज ऑलवेज हम सबको बताया कि हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन तो एक क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसको क्यों लिया, ये फेवरेटिज्म हो रहा है भाई, मैच चालू हुए नहीं अभी से आप लोग फेवरेटिज्म कर रहे हो। तो भाई क्या है पूरी स्क्वाड, कौन कौन से प्लेयर्स को लिया है, कौन कौन से प्लेयर्स को नहीं लिया है, क्या है पूरी कहानी, लेट्स टॉक एंड लेट्स डिस्कस द स्क्वाड इन दिस वीडियो। तो लेट्स गो वन बाय वन। तो पहले गोलकीपर्स में अगर जाएंगे तो गोलकीपर्स में तीन गोलकीपर लिए हैं, गुरप्रीत सिंह सांडू, अमरिंदर सिंह एंड प्रभसुकन गिल। अभी अगर आप बात करोगे, हम सब सोच रहे थे कि यार देखो विशाल केत होगा, फुलबाज लाचेंबा होगा, बट दोनों ही नहीं है। जी हाँ, मुंबई सिटी के फुलबॉल अचेंपा एंड मोहन बगान सुजैन के विशाल के दोनों ही गोलकीपर्स को नहीं लिया है। एंड अपने जो फर्स्ट और सेकंड गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह सांडू एंड अमरिंदर सिंह, उनको तो ले लिया है, लेकिन या वो प्रभसुकन गिल ने एक नया चॉइस लिया है। जी हाँ, प्रभसुकन गिल जो कि ईगोस्ट में लेता ही नहीं था, उसको अभी यहाँ पर चांस मिल चुका है। तो क्या पता मे बी फ्यूचर भाई एकदम यंग गोलकीपर चाहिए जो कि 20-23-24 साल का है, तो भाई ऐसे चाहिए। तो यहाँ पर दो गोल मेन गोलकीपर्स को यहाँ पर नहीं लिया, दोनों मुंबई एंड मोहन बगान के। कमिंग ऑन टू यहाँ पर डिफेंडर्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चॉइसेस है, बहुत सारे लॉर्ड्स को लिए हैं। तो डिफेंडर्स में निखिल पुजारी, राहुल बेके, चिंगसलिंग साना, रोशन सिंह, अनवर अली, जय गुप्ता, आशीष राय, शुभशी बोस एंड मेहताब सिंह। जी हाँ, ये डिफेंडर्स में अगर आप बात करोगे कौन अपनी वापसी कर रहे या तो बहुत कौन अपनी बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, जिसमें से अगर आप बात करोगे चिंगसलिंग साना की वापसी हुई है डेफिनेटली, आपको पता है जो कनेक्शन है हैदराबाद में जो मनेलो मार्केस एंड चिंगसलिंग साना थे, तो वहां पर आप बोल सकते हो। रोशन सिंह फिर से वापस आ चुके हैं। आशीष राय, जी हाँ आशीष राय जो कि मनेलो मार्केस का एंटर खेल चुके हैं, उनको भी यहाँ पर ले लिया गया है। एंड मेहताब सिंह एंड शुभशीष बोस, तो यहाँ पर देख सकते हो कि दो से तीन प्लेयर्स को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर लालचंदुंगा आपको नहीं देखने मिलेंगे, आकाश मिश्रा जो कि इंजर्ड है वो तो ऑब्वियसली नहीं है, एंड संदेश जिंगम जिसकी इंजरी की बारे में बात चल रही थी तो वो अभी भी इंजर्ड है, एंड दैट्स व्हाई वो ये स्क्वाड में नहीं है। बाकी अगर आप स्क्वाड देखोगे इट्स नॉर्मल। अभी मेरी एक ही होप है कि अगर आपने साना को लिया है तो प्लीज चिंगसलिंग साना एंड अनवर अली को खिलाइए, राहुल बेके को नहीं खिलाए बिकॉज वो लॉर्ड है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट मनेलो मार्केस की भाई तू गलती मत कर जैसे कि इगोर सिमेन ने किया था। बाकी डिफेंस के लिस्ट में आपको जय गुप्ता देखने मिलेगा, तो वो भी लेफ्ट बैक में स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफेंस इज गुड, यस कोई लॉर्ड लोग को लिया है जो पहले के मेंबर्स थे उनको लिया है, बट यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक और चीज है अमय रनावड़। जी हाँ, अमय रनावड़े को नहीं लिया है ओडिशा एफसी का, तो वो भी हमको लग रहा था कि वो आएगा स्क्वाड में बट उनको नहीं लिया है। लेट्स टॉक अबाउट द मिडफील्डर्स। जी हाँ, मिडफील्डर्स में अगर बात करें तो सुरेश सिंह को लिया है, जिक्सन सिंह, नंदकुमार शेखर, महेश सिंह, यासिर मोहम्मद रालटे दैट इज लालिंग मुमे रालटे दैट इज अपुया, अनुरुद्ध थापा, सहल अब्दुल समद, लालिंग जोरा चांगटे एंड लाल थंगा क्वालिंग। अभी ऑब्वियसली इसमें कौन कौन से प्लेयर्स को लिया है नहीं लिया है वो बात करेंगे। तो इसमें जो लास्ट नाम दिख रहा है, ठीक है, चांगटे के नीचे, वो है हमारे पुतिया। जी हाँ, पुतिया को यहाँ पर फाइनली ले लिया है। हम सबको पता है कि हम कितने नाराज थे यार इगो शिमेन ने नहीं लिया था, लेकिन पुतिया कम्स इन। यहाँ पर यासिर मोहम्मद की भी फिर से वापसी हुई है, एंड यहाँ पर एक नाम आपको जो नहीं दिखेगा वो है ब्रेंडन फर्नांडिस। जी हाँ, ब्रेंडन फर्नांडिस ये मिडफील्डर्स के स्क्वाड में नहीं है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही है तो एएफएफ को मुंबई सिटी वालों ने क्या बोला कि मुंबई सिटी वालों ने ये बोला कि ब्रेंडन फर्नांडिस इंजर्ड है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये वाले स्क्वाड में नहीं दिख रहे, बिकॉज कोई रिपोर्ट अगर बात करें आशीष नेगी सर ने शायद से अगर आपको ट्वीट दिख रहा है मैं अगर सही बोल रहा हूं तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि ये फिट प्लेयर्स है, लेकिन मुंबई सिटी ने बोला एएफएफ को कि भाई क्या बोलते इसको ये ब्रेंडन फर्नांडिस ये इंजर्ड है, तो अभी ब्रेंडन फर्नांडिस को इसलिए नहीं लिया है। वी वो ऑल एक्सपेक्टिंग कि भाई ब्रेंडन फर्नांडिस हो जाए बट इनको नहीं लिया गया है। बाकी मिडफील्डर्स के सेक्शन में देखो तो पूरा जो कोर है जो पहले में थे वही सेम लिया है, अपुया है, सुरेश, नंदकुमार, महेश, फिर सहल अब्दुल समद, थापा है, एंड आई गेस अभी ब्रेंडन नहीं है तो मे बी सहल का आउट एंड चांस मिलेगा उसको। तो मिडफील्डर्स की लिस्ट में लाइक इतने सरप्राइजेस नहीं है, यस एक दो है बट हाँ ठीक है। उसके बाद आ गए फॉरवर्ड्स में यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ पर बता दिए है मनेलो मार्केस ने, एकदम यंग फॉरवर्ड है, यंग तो नहीं, अगर आप बात करोगे कियान नसीरी को लिया है, एडमिन लालड्रिन डिंका को लिया जो कि बहुत खतरनाक था लास्ट वाले कैंप में, मनवीर सिंह एंड लिस्टन कोला को। जी हाँ, ये चार प्लेयर्स को लिया है, अभी इनमें से किस किस को नहीं लिया है, पहले तो रहीम अली है,
ईशान पंडिता है, फिर डेविड डेविड जो अभी ईस्ट बंगाल में है तो उनको नहीं लिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड है। और एक और चीज, विक्रम प्रताप सिंह, जी हाँ, अभी जैसे कि मैंने बोला ब्रेंडन के लिए मुंबई सिटी ने क्या बोला था कि वो इंजर्ड है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड्स में जो डेफिनेटली विक्रम प्रताप सिंह एक मिसिंग है। अगर वो इंजर्ड होता है और फिर भी अपने मनोर मार्केस ने नहीं लिया तो आई रियली डोंट नो। एंड बाकी स्क्वाड में अगर देखो फॉरवर्ड्स में काफी नए नए हैं भाई, एडमंड है, मनवीर सिंह है, लिस्टन कोलाको है, एडमंड और कियान नसीरी को भी यहाँ पर पहली बार कैंप में बुलाया है। तो स्क्वाड की अगर आप बात करोगे द स्क्वाड लुक्स गुड। ऐसा नहीं है कि नो वही पहले के पुराने प्लेयर्स हैं, यस देयर विल बी सम प्लेयर्स। अभी कैसा है कि जब कोई भी एक नया कोच आएगा तो नए प्लेयर्स को एकदम अचानक से नहीं लाएगा, वो धीरे धीरे लाएगा। जैसे कि ये बार आपको कियान दिखेंगे, पुटिया दिखेंगे, साना की वापसी हो चुकी है, यहाँ पर रोशन सिंह की वापसी हो चुकी है। तो एक तो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यार, देखो कोई भी कोच आएगा तो वो फटक से पूरी चेंज को टीम को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जो कोर मेंबर्स है, जो कि पहले के मेंबर्स है, उनको तो रखेगा ही, बस कोई कोई प्लेयर्स को बोलो निकाल देंगे। अभी देखो जब भी जैसे कि ब्रेंडन हो गया, विक्रम प्रताप सिंह हो गया, इनको क्यों नहीं लिया है, अगर वो बोल देते सामने से तो ठीक है, बट मेरे को सुनने में आया कि भाई मुंबई सिटी ने बोला कि बोलो इंजर्ड है, ठीक है, ऐसा मुझे सुनने को आया है। तो भाई आप जो बताना स्कोर के ऊपर, डेफिनेटली आज स्ट्रीम पे हम लोग बात करने वाले रात शाम को 7:30 बजे, आपका क्या कहना है स्कोर के ऊपर, क्या लगता है कि क्या ये स्कोर अच्छा कर पाएगी अंडर मंडेलो मार्केस, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। एंड या मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर।